हे गाइस, दिस इज अहमद हुसैन एंड यू आर वॉचिंग AMU स्टूडियोज। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास एक साउंड कार्ड रखा हुआ है जो है मोटू कंपनी का M2। मोटू का मैं बहुत पहले साउंड कार्ड यूज़ करता था, इस कार्लेट का 2i2 आने से पहले, और वो मेरे पास था। फिर वो ख़राब हो गया क्योंकि वो मुझसे गिर गया था मेरे हाथ से, इसलिए वो ख़राब हो गया था। उसके चैनल जो थे वो थोड़े से स्पार्क करने लगे थे। फिर मैंने स्कारलेट का 2i2 मंगवा लिया क्योंकि उस दौरान पे उसका प्रीएम्प बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। फिर मेरे पास 2020 की शुरुआत होते ही मोटू का M2 साउंड कार्ड मैंने फिर मंगवाया। जैसा कि आप इंस्टाग्राम स्टोरीज पे देखते होंगे, मैंने मोटू के M2 जो साउंड कार्ड है, USB ऑडियो इंटरफेस है, ये मैं तकरीबन पिछले 4 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अलग अलग सिंगर्स के साथ मैंने इसका इस्तेमाल किया है, मैंने अपनी वॉइस के ऊपर इसका इस्तेमाल किया है, तो मुझे लगा कि ये रेकमेंडेड है, ये मैं रेकमेंड कर सकता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई ऐसे प्रोडक्ट आपके पास लेकर आऊँ जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हों। 15,000 रुपये की रेंज में है मोटू का M2, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, बट अमेज़ॉन पे 15,900 अभी रेट इसमें शो कर रहा है, बट मार्केट से आप लेंगे तो ये 15,000 रुपये या उससे भी थोड़ा सा 100-200 रुपये कम आपको मिल जाएगा। स्कारलेट का 3rd जनरेशन का ऑडियो इंटरफेस है, उससे एक पॉइंट ऊपर ही है ये। 2nd जनरेशन का भी आता है, 3rd जनरेशन का भी आता है स्कारलेट का। इस साउंड कार्ड में सबसे ख़ास बात क्या है, ये 0 लेटेंसी पर है। यानी कि लेटेंसी क्या चीज़ होती है, लेटेंसी होती है कि हेडफोन में आपको मिक्स के टाइम पे अगर आप रियल टाइम मिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का गैप आपको दिखाई देगा, जो कि इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल 0 लेटेंसी के ऊपर काम करता है। जो आप मिक्स रियल टाइम मिक्स कर रहे होंगे वही आपको वो आगे जाके सुनाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। वैसे तो मैं देख चुका हूँ लेकिन आप लोग को भी दिखा देता हूँ क्योंकि प्रथा है। यहाँ पे ही आप देखेंगे तो सारे आपको डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगी। और एक ख़ास बात ये है कि जैसे आप टाइप सी आपके मोबाइल के चार्जर होते ना, उसके लिए ये बना हुआ है। टाइप सी चार्जर से आपको USB और टाइप सी आपको ये लगा देंगे तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा, लैपटॉप में ईजिली कनेक्ट हो जाएगा, मोबाइल में ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। मोबाइल में अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर आप डाल देंगे और उसके बाद मोटू को कनेक्ट करेंगे तो ये मोबाइल पे भी रिकॉर्ड करेगा। इस डब्बे में और कुछ खास चीज़ नहीं है, इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ गारंटी कार्ड्स हैं जो आपसे कोई लेना देना नहीं है। पन्नी में आता है भाई, पन्नी का भी हमको क्या काम है। इसकी पैकिंग जो है, मैं पिछले 4 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तो आपके लिए मैंने पैक कर दिया था वापस से। और अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ साउंड, ये मेरे वापस फोकस राइट से रिकॉर्ड हो रहा है 2i2। ये आप देख रहे हैं, ये 3rd जनरेशन से भी ऊपर का है, यानी कि लेटेंसी 0 है, तो मेरे लिए बेस्ट है ये। 2 चैनल पर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 चैनल हैं, चैनल 1 चैनल 2। हर चैनल का अपना एक गेन है, यानी कि आप गेन जितनी रिकॉर्डिंग का लेवल बढ़ाना चाहते हैं सेपरेटली आप बढ़ा सकते हैं। 48+ सप्लाई के ऊपर कंडेंसर माइक को भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो फैसिलिटी भी इन्होंने दोनों सेपरेट के लिए दी है। एक अच्छा खासा मॉनिटर यहाँ पे दिया हुआ है जो लेवल बताता रहता है, और ये जो बड़ा सा आप जो ये गोला देख रहे हैं ना, ये खूंटा ये आपके 1/4 इंच जो जैक होते हैं, जो आप ऑडियो मॉनिटर में लगाते हैं या जो स्पीकर्स में लगाते हैं, उसका ये कंट्रोलर है। प्लस ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा, ये हेडफोन का ये भी 1/4 इंच जैक है, वो भी आप लगा सकते हैं इसमें। इसमें मिडी इन और मिडी आउट का ऑप्शन दिया हुआ है। कुछ जगहों पे मिडी इन होता है खाली, जैसे स्कारलेट का जो 2i2 है उसमें पहले नहीं दिया होता था, लेकिन इसमें दिया हुआ है। ऑन ऑफ का स्विच इसमें है, जो कि आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर साउंड कार्ड यूज़ नहीं करना चाहते और बार बार चाहते हैं कि साउंड कार्ड निकले भी नहीं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। USB टाइप सी बस पावर्ड जो है, ये कम, बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है, यानी कि आप लैपटॉप में भी लगाएंगे, मोबाइल में भी लगाएंगे, तो ये काम करेगा आपका। अच्छा साउंड कार्ड है, अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। और ये साउंड कार्ड मैं रेकमेंड करूंगा उन लोगों को जो बिगनिंग से ऊपर आ चुके हैं और थोड़ा सा आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा खासा अच्छा रिकॉर्ड करता है। मैंने रिकॉर्ड करके 4 दिन मैंने इसके ऊपर लगाए हैं। अच्छा साउंड कार्ड है, काफ़ी भारी है, और नॉब भी काफ़ी मुझे लग रहे हैं कि बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है।
जो स्मूथनेस है इसके, जो रोलर्स की जो स्मूथनेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। खैर इसकी बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो इसका प्रीएम्प है, जो इंटरनली इसका प्रीएम्प है, वो गज़ब है। मैंने जितना मुझे एहसास हुआ, क्योंकि मैंने इसको सिंगर्स के साथ भी रिकॉर्ड किया, मैंने अपनी वॉइस के साथ भी इसको रिकॉर्ड किया, एंड फिर इसके अलावा मैंने मोबाइल पे भी इसको रिकॉर्ड करके देखा मैं, और फिर मैंने कई अलग अलग लोगों के साथ में, एक दो नए वॉइस आर्टिस्ट के साथ में मैंने इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो उनका भी साउंड अच्छा आया। ईजिली मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। एक हार्डवेयर, एक आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा मोटो की वेबसाइट से जाके, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, कि उसकी वेबसाइट से जाके आप एक ड्राइवर इंस्टॉल कर लीजिए और ईजिली कनेक्ट हो जाता है। मैक के साथ कनेक्ट हो जाता है आपका, विंडोज़ के साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है, मोबाइल के साथ इजीली कनेक्ट आपका हो जाता है। तो चलिए मैं इसके साउंड को कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो आप मेरा साउंड सुन रहे हैं वो है मोटू M2 का साउंड कार्ड। इसमें मैंने कोई भी EQ नहीं किया है, ये मैंने डायरेक्टली वायर कनेक्ट कर दिया है अपने इंटरनल मशीन रूम में, जैसा कि आप लोग देखते होंगे वहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया और वहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा, बाकी मैं पंच कर दूंगा इसको। साउंड आप देख रहे होंगे कि दोनों में कोई डिफरेंस आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन लेटेंसी ज़ीरो है। अगर मैं हेडफोन पे इसको सुनूं तो ये जीरो लेटेंसी पर आता है और बेस्ट है 2020 में। अगर जो लोग स्कारलेट 2i2 का थर्ड जनरेशन लेने जा रहे हैं, मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि एक बार मोटू का M2 का भी रिव्यू आप ले लीजिए, बहुत बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। फिलहाल तो मेरे लिए तो बेस्ट है। एंड आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। अगर मेरी बताई हुई बातों से आपको कोई भी एक तरह का भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं इस तरीके के एपिसोड्स और भी लेकर आता रहूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।